हेलो फ्रेंड, ब्राउन मुस्तफा किचन। आज आप सबको लेकर आए हैं तीन तरह से हम ब्रेड पिज्जा आप लोग को बनाकर दिखाएंगे एकदम तीन फ्लेवर में। तो बच्चों को लंच बॉक्स के लिए एकदम झटपट बनकर रेडी होने वाला है। तो आज हम अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में यही डालेंगे। तो देखिए कैसे बनाकर हम लोग रेडी करके रात में रख सकते हैं और सुबह बच 5 से 6 मिनट में बेक कीजिए और बच्चों को लंच बॉक्स में डालिए। हम लंच बॉक्स में आज ब्रेड पिज्जा बना रहे हैं तो तुम तीन फ्लेवर में बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हो। तो हम तीन फ्लेवर में आज आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो देखिए अगर आपको गोल शेप डालना है, एकदम पिज्जा के शेप डालना है, तो कोई भी कटर हो आपके पास या बॉल कोई भी किसी से भी आप गोल कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये टिफिन का कवर है तो उससे हम कट कर लिए हैं। पेस्ट से उसको निकाल इसको आप ब्रेड कर्म बना सकते हैं। तो ये देखिए एकदम गोल शेप में आ गया। तो ये बच्चे लोग को जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो चाहिए एकदम पिज्जा के शेप, तो उस तरह उसको बना के दे सकते हैं। और बड़े को तो कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बाकी को नहीं कटिंग करेंगे, बस एक कटिंग हम आपको करके दिखाएंगे। फिर भी पिज्जा सॉस आता है तो पिज्जा सॉस आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, अगर नहीं आपके पास तो घर में भी बना सकते हैं। टमाटो केचप के साथ उसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और थोड़ा सा काली मिर्च भी डालिएगा उसमें और ग्रीन चिली मिक्स करके सभी को आप घर में बना लीजिए। लेकिन रेडीमेड तो आप मार्केट में मिलता ही है, तो ये देखिए तो मार्केट से ले लीजिए। इसको हमेशा घर में रखिए कि बच्चे लोगों को टिफिन में डालने के लिए। और अच्छे से हम भर के एक चम्मच लिए और चारों साइड से ब्रेड में हम फैला डालेंगे। हमें सॉस लगा के रेडी कर लिए हैं। अब हम टॉपिंग करेंगे तो हम बताया ही है कि हम तीन फ्लेवर बनाएंगे। तो हम पहला में डाल रहे हैं ऑनियन हम पूरा डाले हैं। अब इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं कैप्सिकम डालना है। और हम तीसरा बना रहे हैं स्वीट कॉर्न से बना रहे हैं, तो स्वीट कॉर्न इसके ऊपर डालेंगे। तीन फ्लेवर को टॉपिंग कर दिए हैं। अब हम चौथा जो आपको हम गोल शेप में बताया है, तो इसमें हम तीनों चीज मिक्स करके डालेंगे। टमाटर भी डाल देंगे, छोटे छोटे पीसेस में हम कटिंग करके टमाटर डालेंगे। ऊपर हम टेस्ट के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे। ऑरिगेनो डालेंगे डाले हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, तो ये घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स है। इसके ऊपर हम मुजरेला चीज डालेंगे, तो भर भर के आप इसमें मुजरेला चीज डालेंगे। तीन में ही मुजरेला चीज डाले हैं और एक में हम डालेंगे स्लाइस चीज डालेंगे। तो आपके घर में स्लाइस चीज है तो वो इसको बस इसके ऊपर एक डाल दीजिए, एक डालिए, दो डालिए, जितना आपको इच्छा हो उतना डाल सकते हैं। कि चारों रेडी हो गया है। आपको इस तरह को बना के रात में ही रख लीजिए, तो सुबह में आपको जल्दी 10 मिनट के अंदर में बच्चों को लंच बॉक्स में इसको आप बस सेकिए और बच्चों को लंच बॉक्स में डाल दीजिए, तो टाइमिंग को बचत होगा। तो इसको आप इतना करके रात में रख सकते हैं। उसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स थोड़ा डालेंगे। इसके ऊपर ऑरेगानो भी डालेंगे और इसको हम पैन में डालेंगे। तो आराम से इसको एक बार में जितना डाल सकते हैं उतना डाल सकते हैं। तो इसको एक हम बड़ा वाला डाल देते हैं, एक छोटा वाला। इसको एक बार में दो हो जाएगा तो दो डाल देते हैं। तो हम पैन को ढक देते हैं, तो लो फ्लेम पे हम 5 से 6 मिनट कर देंगे, यानी आपको चीज मेल्ट हो जाएगा। तो समझिए आपका कंप्लीट हो गया, बेक हो गया। ये देखिए कंप्लीट हो गया है, ये देखिए सभी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो पिज्जा बन के रेडी हो गया है। बस हम कटर से एकदम टेस्टी भी बना है एकदम। देखिए 6 मिनट लगा है टाइमिंग बेक करने में। मेरा वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अभी तो मेरे चैनल पर पहली बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल पर जाकर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिला। बाय बाय फ्रेंड।